हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विथ मी। यस यू कैन। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ पार्ट टू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड कवरिंग द रिमेनिंग टॉपिक्स, दैट इज वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की बात करेंगे। ये होते हैं अपने स्टैंडर्ड एंगल। ये एंगल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनकी वैल्यूज़ भी हम लोगों को याद करके रखनी है। तो अब एक टेबल देखते हैं। इस टेबल के अंदर अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं, जो स्टैंडर्ड एंगल है, उनकी वैल्यूज़ गिवन है इस टेबल के अंदर। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। साइन जीरो क्या होता है आपका? जीरो। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इस टेबल को इस तरीके से लिख दीजिए। देखो, साइन की जो वैल्यू लिखी है ना, उसको रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लिख, तो ये हो जाती है आपकी कॉस की वैल्यू, यानी कि साइन 90 इज इक्वल टू कॉस 0, साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 30, साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60 एंड साइन 90 इज इक्वल टू कॉस 0। ओके, अब देखो यहाँ से एक रिजल्ट तो क्लैरिफाई हो जाता है कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो आपका साइन 90 माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल। तो अब हम कोसेक की बात करें तो कोसेक क्या होता है? साइन। सो अब बात करते हैं कोसेक, सेक और कॉट की। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। और कॉट क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल। तो अगर साइन, और देखो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि अगर हमको साइन की वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू पता है, तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है हम लोग बना सकते हैं। कैसे? कॉस की निकालने के लिए जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, टेन की निकालने के लिए साइन और कॉस दोनों की डिवाइड कर दो, कॉस एक के लिए साइन का रेसिप्रोकल कर दो, कॉस के लिए भी सिमिलरली, सॉरी सेक के लिए सिमिलरली कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, और कॉट के लिए टेन का रेसिप्रोकल कर दो। एक और तरीका है, जैसा कि हम लोग जानते हैं टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन का निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? साइन और कॉस का रेशियो ले लिया था। सिमिलरली कॉट क्या हो गया आपका? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट का निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉस और साइन का रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को टेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब एक ट्रिक की बात करते हैं कि कैसे इस टेबल को याद किया जाए। ये तो हमको पता चल गया कि अगर हमको साइन की वैल्यू पता है तो बाकी पूरी जो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो हम लोग इजीली बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि साइन की भी कैसे याद रखें। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो जो 0, 1, 2, 3, 4, इसको एक लाइन में लिख लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है कि 0, 1, 2, 3, 4 को लाइन में लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फोर से इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या कर, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 को लाइन में लिखा, फिर फोर से डिवाइड कर दिया। तो क्या हो गया ये आपका 0, 1/4, 2/4, 3/4 और 1। अब इन सेकंड स्टेप में क्या आता है कि जो ये पांच वैल्यूज हैं उन पर हम रूट लगा देते हैं, स्क्वायर रूट। तो अब ये क्या देगा हमको? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये जो वैल्यूज आई वो किसकी हुई? साइन की। ये हो गई साइन 0, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये होगी आपकी साइन 90 की। ठीक है, तो ये हो गई ट्रिक टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड द स्टैंडर्ड एंगल। तो अब कुछ इजी से क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को साइन 60 माइनस कॉस 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से साइन 60 की वैल्यू उठाएं, कॉस 30 की वैल्यू उठाएं और पुट कर दें। साइन 60 होता है आपका √3/2, कॉस 30 भी √3/2, तो दोनों का जो, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? 0, जैसा कि इस मेथड में किया है। दूसरा मेथड, दूसरा अप्रोच क्या हम लोग लगा सकते हैं कि हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें इस साइन, ये जो साइन 60 लिखा है, इसको इस टर्म में तोड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? साइन,
इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू साइन 60। और ये क्या हुआ, ऊपर वाले फॉर्मूले से हम लोग देखें तो ये क्या हो गया आपका कॉस 30। तो अब क्या हुआ, इससे क्या अप्रूव हो गया कि साइन 60 किसके इक्वल है अपना, कॉस 30 के इक्वल। तो ये दूसरा तरीका हुआ, दोनों इक्वल हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन भी जीरो हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है 3 sin 30 प्लस 10 45। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका है कि हम लोगों को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से साइन 30 की वैल्यू पता करनी है क्या है, जो होती है 1/2, 10 45 की होती है 1, और इस इक्वेशन में पुट करो एंड गेट योर आंसर। तो 3 × 1/2 + 1, 3/2 + 1, तो ये क्या हो गया आपका 5/2। ओके, तो अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या करना है कि इस क्वेश्चन में गिवन है इफ बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन वी हैव टू प्रूव 3 sin β - 4 sin 3β। ये साइन 3β नहीं है, ये साइन 3β है। तो हम लोगों को प्रूव करना है 3 sin β - 4 sin 3β इज इक्वल टू साइन 3β। ओके, तो ये थोड़ा सा ग्लिच है कि ये जो चीज़ है इसके अंदर जो 3 है ये आपका बेसिकली साइन 3β। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है 3 sin β - 4 sin 3β इज इक्वल टू साइन 3β, ये प्रूव करो। इसके लिए देखो बीटा हम लोगों को गिवन है ही है, बीटा 30 डिग्री है। तो बेसिकली अपनी इक्वेशन क्या होती है, अपनी इक्वेशन होती है 3 sin 30 - 4 sin 3β। लेफ्ट हैंड साइड पे ये इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू निकालते हैं। साइन 30 क्या होता है आपका 1/2, तो 3 × 1/2 - 4 × 1/2³, क्योंकि साइन क्यूब है। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 3/2 - 4 × 1/8 यानी 1/2। 3/2 - 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1, और साइन 3β यानी कि साइन 3 × 30 यानी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS, देखो यहाँ RHS सॉल्व कर रखा है, यहाँ LHS वाला पोर्शन सॉल्व कर रखा है। तो LHS इज इक्वल टू क्या है अपना RHS। तो ये प्रूव हो गया कि 3 sin β - 4 sin 3β इज इक्वल टू साइन 3β। तो अब कुछ हार्ड क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है 4/3 tan²60 प्लस 3 cos²30 माइनस 2 sec²30 माइनस 3/4 cot²60। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, टेन 60, कॉस 30, सेक 30 और कॉस 60, इन चारों की वैल्यू पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर से हम लोग देखते हैं कि जो टेन 60 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो टेन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3 सिम, और कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। और हम लोग क्या जानते हैं, जो कॉट 60 होता है यानी कॉट जो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेन। तो कॉट 60 क्या हो गया 1/10 60, एंड सेक 30 इज इक्वल टू 1/cos 30। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर इन वैल्यू को पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है अपना आंसर। तो 4 × √3² प्लस 3 × cos 30 यानी 3 × √3/2² माइनस 2 × sec²30। sec²30 यानी कि 2/√3। तो बेसिकली ये 2/√3 लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका 2/√3 और 3/4 cot²60 यानी कि 1/√3। तो ये भी आपका 1/√3 लिखा हुआ है यानी √3/3 इज इक्वल टू 1/√3। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 3 1/3 यानी 10/3। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन में देखो क्या क्या बना है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड वी हैव टू प्रूव दैट cos²θ इज इक्वल टू cos²θ - sin²θ। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में cos²θ के बना है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो ये क्या हो गया cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो अब RHS को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, cos²30 - sin²30। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2,
साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, दोनों को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया आपका 3/4 -1/4 विच इज़ इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2, ये हो गया। अब देखो कंपेयर करते हैं, ये RHS, ये आपकी LHS, दोनों इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें गिवन है ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन बी हैव टू वेरीफाई दैट साइन ए माइनस वी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए की वैल्यू 60, वी की वैल्यू 30, तो साइन 60 माइनस 30 कितना हो गया साइन 30। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होता है साइन 30 जो कि इक्वल टू होता है 1/2 के, तो ये हो गई आपकी LHS। अब सॉल्व करते हैं RHS के लिए। RHS की बात करें तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। साइन 60 क्या होता है आपका, साइन 60 आपका होता है √3/2, कॉस 30 भी होता है √3/2 माइनस ब्रैकेट कॉस ए यानी कॉस 60 जो कि होता है 1/2 एंड साइन 30 इज 1/2, तो ये हो गया आपका 3/4 -1/4, ये 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2, तो LHS भी 1/2, RHS भी 1/2, तो हैंस प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है इफ साइन इज साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू 1 होती है आपकी 90 डिग्री पे, साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, तो इससे ये तो क्लियर होता है, इस इक्वेशन को देखिए कंपेयर करेंगे तो इससे क्लियर होता है कि एक्स प्लस वाई क्या होगा आपका 90 के इक्वल। तो एक इक्वेशन क्या मिल गई हमें, एक इक्वेशन मिल गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90, इसको बोलते हैं फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म की, कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू √3/2, तो कॉस √3/2 कब आती है, कॉस की वैल्यू, कॉस की वैल्यू √3/2 30 डिग्री पर आती है, तो इससे क्या पता चला हमको एक्स माइनस वाई की वैल्यू हो गई 30, एस की कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2, तो ये वाली टर्म किसके इक्वल होगी एक्स माइनस वाई के। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हुई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90, सेकेंड इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30, इन दोनों को ऐड कर देते तो वाई वाई कट जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। अब किसी भी इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल दो, इस इक्वेशन का यूज़ करके y की वैल्यू निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 90 माइनस x, यानी कि y की वैल्यू होगी आपकी 90 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखते हैं आंसर क्या आता है, आंसर आ रहा है y 30 एंड x 60, यही अपना आंसर है, एंड दोनों का समेशन 90 डिग्री है, तो फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो जाती है, दोनों का सब्ट्रैक्शन 30 डिग्री है, तो सेकंड इक्वेशन प्रूव। तो ये था अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और स्टैंडर्ड एंगल को कवर कर लिया हम लोगों ने, और जो बचा हुआ पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं इसमें कंबाइंड कर देता हूँ ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी, इसलिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला जो पार्ट है वो अगली वीडियो में आएगा। और अगर आपको हम लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।